मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान अभी थमा नहीं है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के हमलों के बाद अब बारी कमलनाथ गुट की है। जी हां, सीएम कमलनाथ के विश्वस्त और पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इन दोनों ही नेताओं को घेर लिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस में थोड़े दिन की चुप्पी के बाद बयानबाजी का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला कर चुके वन मंत्री उमंग सिंघार के बाद अब पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी उन पर निशाना साधा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी कहा कि दोनों नेता आत्म अवलोकन करें। वर्मा ने यह टिप्पणी दोनों नेताओं की ताजा बयानबाजी को लेकर की है। समझ में आया, मुझे लगा कि वास्तव में जो विचार है वास्तव में वो इतने परिपक्व विचार है कि उन कारणों तक दृष्टि नहीं पहुंच पाती। जैसे सिंधिया जी को कई चीजें पता नहीं चल पाई जो उन्होंने कहा। हमारे नेता ने कहा कि हर किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, राहुल गांधी जी ने। हमने 20 लाख किसानों की किस्त माफ कर दी, वो सूची उन तक पहुंची नहीं। 12.5 लाख किसानों की सूची तैयार हो गई है, वो माफ हो जाएंगे। बचे हुए 7-8 लाख किसान की तीसरी सूची, तो ये सूचियाँ असल में वो एक लंबे अरसे बाहर रहे हैं। इन दिनों 2-3 बार विदेश जाना पड़ा, तो उन सूचियों की जानकारी उन्हें मिली नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम एक दल के लोग हैं तो जो मुखिया है दल का उसके साथ बैठ के विचारों का आदान प्रदान कर लें तो विसंगति पैदा नहीं होगी। दिग्विजय सिंह जी साहब के बारे में भी मैं यही अनुरोध करता हूं कि जिस दिन कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 3 फाइलें साइन करी, किसान की कर्ज माफी की फाइल। बता दें कि दिग्विजय ने एक दिन पहले गायों को लेकर सरकार को सवालों के घेरे में लिया था। वहीं सिंधिया ने किसानों की कर्ज माफी पर टिप्पणी कर कहा था कि अब तक 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ। सज्जन ने इन दोनों के बयान पर कहा, राजनीति में राजनेता चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं, बोलते रहो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, लेकिन बोलो। वर्मा ने कहा कि नेता लाइमलाइट में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। वृद्ध लोगों के पेंशन की राशि बढ़ाने की फाइल और तीसरी गौ माता के लिए प्रत्येक पंचायत में गौशाला निर्माण की, इन 3 फाइलों पे साइन की। तो जब इस प्रदेश का बच्चा जानता है कि कमलनाथ जी के विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं गौ माता के लिए, किसानों के लिए, तो मैं समझता हूं कि जब हम एक कमरे में बैठ के प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर सकते हैं तो अन्य जो चिंताएं हमारी हैं उन चिंताओं पे भी कमरे के अंदर बैठ के चर्चा करने से वो समस्या ज़्यादा जल्दी हल हो जाए। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा मापदंड कह लो, कसौटी कह लो, कि थोड़ा चहल पहल में बने रहना चाहिए, लाइमलाइट में बने रहना चाहिए। या अभी 4-6 दिन तक कोई बयान नहीं आया तो आदमी भूल जाता है। इसलिए आदमी की स्मृति ताज़ा रहे इसलिए भी राजनीति में कुछ चीज़ें करना पड़ती है, बाकी सब ठीक है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने अपना हमला तेज कर दिया है और कहा कि आपस में संवाद नहीं हो रहा है। सिंधिया को मेरी सलाह है कि वे अपने समर्थकों के साथ सरकार से बाहर आ जाएं। एक ही पार्टी में दोनों लोग काम कर रहे हैं तो आपस में क्या संवाद नहीं कर सकते बैठ के? क्या टेलीफोन से चर्चा नहीं कर सकते? क्या आवश्यकता है ट्वीट करने की, या क्या आवश्यकता है पत्रकार वार्ता से एक दूसरे से संवाद करने की? हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अनेकों मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, कुछ सामने से हैं, कुछ पर्दे के पीछे से हैं। यह इसी बात का द्योतक है दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है कि इन लोगों के बीच में इस कदर की संवादहीनता है कि ट्वीट के माध्यम से उन्हें संवाद करना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र के लिए और उनकी पार्टी के लिए तो हानिकारक है, लेकिन इससे सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इनके कोटे के जो जो मिनिस्टर हैं अलग अलग, और मिनिस्टरों में किस प्रकार से संवाद हो रहा होगा जब इन लोगों में नहीं हो रहा है, और सरकार कैसी चल रही होगी
इसके बारे में परिणाम कैसे आ रहे होंगे और लोग क्या भुगत रहे होंगे, इसके बारे में आप अनुमान कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रकार से गड्ढे में चला गया है। सर सिंधिया जी, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लगातार नेताओं की बयानबाजी कमलनाथ सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।